नमस्कार, और आप देख रहे हैं भारतीय बस्ती। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए सरकार बहुत ही गंभीर है, जिसके तहत बच्चों में लक्षण मिलने पर उन्हें किन दवाओं का सेवन कब और कैसे करना है, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक किट तैयार की है, जो ग्राम सभा की निगरानी समितियों के माध्यम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों में निःशुल्क वितरित की जाएगी, जिसके तहत जनपद के पुराने नौगढ़ स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह रहे। इस अवसर पर ग्राम सभा द्वारा बनाई गई निगरानी समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में जनपद के प्रभारी मंत्री ने कहा कि कोरोना बीमारी के लेकर सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मीडिया से बात करते हुए बताया कि 0 से 15 वर्ष के बच्चों को 4 पैकेट में किट बनाया गया है, जो बच्चों में कोरोना की तीसरी लहर के तहत काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। लगभग 74,000 निगरानी समितियों के माध्यम से ये किट पूरे प्रदेश में बांटी जानी है। बस्ती समेत देश दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। गलती का एहसास कर रहे हैं। गलती के एहसास सीएमओ सीएमओ है क्या बाबू का गलती का एहसास कर रहे हैं? लेकिन डर जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इनवाइट नहीं करेगा आपके लोग की गलती का एहसास कर रहे डीएमओ एसपी को प्रोटोकॉल नहीं मालूम होगा तो मतलब सब बच्चे हैं कि ना देखो क्या बता दो बना रहे हो जो आपको कहा था समाजवादी कैंडिडेट बहुत बैरिकेड से गाड़ी से गई है और आप भाजपा के कैंडिडेट मंत्री सब पैदल जाए समाजवादी विचार कर रहे हैं हमारे आप ही बताए तो पहले जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि सर माननीय सांसद जी नहीं रहेंगे, मतलब मैं मेरे को जो फीडबैक मिला सर, तो मैंने बोला ठीक है नहीं रहेंगे। अब आज मैं आज आप आ गए, मेरे संज्ञान में ये था 2 दिन पहले तक कि आप शायद इस प्रोग्राम के लिए नहीं रहेंगे सर, जो था क्योंकि मैंने ये इंश्योर किया था कि एक एक से पर्सनली सब जनप्रतिनिधियों से बात करके प्रोग्राम जरूर कर लेना। तो सीएमओ साहब का यही फीडबैक था। अब आज सर हुआ होगा तो मेरा ये मैं आते ही सर पूछ रहा हूँ, मैं पर्सनली मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपने कहा जनप्रतिनिधि मतलब 5 विधायक एक सांसद उनसे पर्सनली इंश्योर करी सर इसे पूछिए कि इन्होंने इंश्योर किया और कल नॉमिनेशन था तो क्या ही ये कम्प्लीटली मैड ही ये फूल कि ये नॉमिनेशन में इन्होंने हमारी फोटो नहीं देखी सोशल मीडिया में या पूरे शहर में सीएमओ है उनको ये हलचल नहीं मालूम हो रहा कि मैं हूँ ना हूँ तो कल ही अगर चले जाते कल इनका डिप्टी सीएमओ आ जाता आपके डीएम आपके सीएमओ फ़ोन करते मैं तो नहीं कभी कहता हूँ कि आपने क्यों नहीं फ़ोन किया तो किसी ने मुझसे बात किया हो इसलिए कि इनको स्वास्थ्य मंत्री है नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर। जब मैं आप तो अभी आपने कहा मैं सर जब आया था आपसे पहले आप आगे जब मैं जो आपका ऑर्डर था मैंने उसी वक्त ऑफर और मैंने उसी वक्त इनको और सबको मैंने उस टाइम पर ही बोल दिया था कि सर ये जिले मुख्यालय पे अगर मंत्री का प्रभारी मंत्री का हो रहा सभी विधायक सांसद को जानना चाहिए कि डुमरियागंज आए ना आए जो आए ना आए भाई प्रभारी मंत्री का कार्यक्रम होगा मुख्यमंत्री का होगा तो हाउ विल डेयर दैट ओनली यू विल इनवाइट टू दिस लोकल पर्टिकुलर MLA या ही हैज बीन नॉट इनवाइटेड एज ए जिला अध्यक्ष ऐसा कभी नहीं होगा कि जिलाध्यक्ष जी को लिखा हुआ है विधायक जी को लिखा हुआ सांसद जी को वो नहीं होगा ऐसा कभी नहीं होगा सर। अच्छा मुझे क्यों नहीं बुलाया इसका जवाब आप दे दीजिए अगर आप मतलब हर चीज़ को तो जस्टिफाई करना बता नहीं मैं जस्टिफाई अगर अगर प्रभारी मंत्री आए उनका कार्यक्रम है तो
ये कौन से कहना कि मतलब सौरभगढ़ गोद ले लिया तो आपका जिले साहब का पान हो गया, मतलब यहाँ पे अगर शहर में कोई चुनाव प्रभारी मंत्री का होगा या स्वास्थ्य मंत्री जी का होगा तो मैं उसमें आउट ऑफ पान हूँ अगर साहब से।